हेलो दोस्तों, आज की कहानी है परिवार का महत्व। यह कहानी बाप बेटे की है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया था। इस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देख उस व्यक्ति का बेटा बेहद खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने को करने लगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान में गया और पतंग और डोरी खरीद कर लाया। उसका बेटा पतंग देखकर बहुत खुश हुआ। उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और भी ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ऐसा लग रहा है इस डोर की वजह से पतंग ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ पा रही है। अगर मैं इसकी डोर काट दूं तो यह पतंग आज़ाद होकर और भी ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो इसकी पतंग की डोर काट दे। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग और ऊंची उड़ने लगी। यह देख बच्चा बेहद खुश हुआ। लेकिन कुछ देर तक तो पतंग ऊंची उड़ी, लेकिन फिर नीचे गिर गई थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये क्या हुआ? पतंग नीचे क्यों गिर गई? इसे तो एक आसमान में और भी ऊंचा जाना था। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें यह लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग को सहारा दे रही थी। हवा की गति अनुसार डोर खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद मिल रही थी। लेकिन जब डोरी को काट दिया गया, तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई। इससे पतंग नीचे गिर पड़ी। ठीक ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि उसका परिवार उसे डोरी की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहे हैं। लेकिन हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें इन ऊंचाइयों पर ले जाता है। परिवार द्वारा दिया जाने वाला नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है। यह सुन उस बच्चे को उसकी गलती समझ आ गई। धन्यवाद। शिक्षा। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तो जीवन की में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार का क्या क्या अहमियत है। परिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा परिवार ही हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।